तो नेचर बॉय की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों को जो मिलान में बिल्डिंग है ना वास्को वर्टिकाले करके है, बहुत ही मतलब हरा भरा है और पूरा बिल्डिंग मतलब पेड़ पौधे से भरा है, तो उसका मैं टूर कराने वाला हूँ। तो मैं घर से और बिल्डिंग तक आपको टूर कराऊंगा। तो अभी देखिए अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा चश्मा वश्मा लगा लिया हूँ, तो चलिए आपको मैं टूर कराता हूँ। तो जो वास्को वर्टिकाले जो बिल्डिंग है ना, मेरे घर से 10 मिनट रास्ता है मेट्रो से और फिर 20 मिनट रास्ता है साइकिल से। तो मैं आज अपने साइकिल से जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं साइकिल से जाऊंगा तो और भी अगल बगल जहां मन कर वहां रुक के जो भी अच्छे से एंजॉय कर सकता हूं नेचर, स्पेशली नेचर के लिए। तो आज संडे है तो आप लोग देख सकते हो मतलब पूरा रोड खाली रहता है यहां पे, स्पेशली सैटरडे संडे को लोग छुट्टियां मनाते हैं, तो ऐसे नहीं बाहर घूमने के लिए शॉपिंग करने को उतना नहीं मनाते हैं। देखिए अभी मैं बिल्डिंग के पास आ गया हूँ, वो बिल्डिंग दिख रहा है कॉर्नर में, और फिर मुझे बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा रिकॉर्डिंग करते हुए। साइकिल वाला रास्ता अब इसी रास्ते से चलना पड़ेगा, तो अभी चलते हैं। आप लोग देख सकते हो बिल्डिंग, वाव एकदम हरा भरा, क्या बात है क्या बात है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो मैं बिल्डिंग के पास आ गया हूँ, और सच में जब पास से देखते हैं इसे ना, वाह वाह क्या वो जो फीलिंग होता है ना, सच में वो प्राइसलेस होता है। और फिर बगल में ही देख लीजिए एकदम हरा भरा सा दीवार, पूरा घर जो है ना आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, नेचुरल है, तो सच में सयन का बोलते हैं ना, तो वाह बहुत ही खुशी होती है ऐसे आके देखने के। तो सच में अगर मिलान में आप लोग आ रहे हो, अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर इसको ज़रूर विजिट करिएगा, देखने से ना इतना आंखों को सुकून मिलता है। तो चलिए और कुछ और आपके अगल बगल में दिखाता हूँ आपको पार्क कैसा है। तो अभी मैं पार्क में आ गया हूँ, पार्क का माहौल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और ऐसा एक मिलान में एक ऐसा प्लेस है ना पोर्टानोवा करके, जहाँ पे वास्को वर्टिकाले बिल्डिंग है, ये ऐसा प्लेस है, ऐसा देख के लगता नहीं कि हम लोग इटली में। एक्चुअली इटली में हम लोग क्या समझते हैं, यूरोप के वो पुराने बिल्डिंग और पुराने आर्किटेक्चर का कहते हैं वो पूरा रहता है कि नहीं। लेकिन आप लोग ऐसे पेड़ पीछे देख रहे हो, ऐसे 40-50 माले वाले बिल्डिंग और पूरा न्यू आर्किटेक्चर, और आराम से आप लोग देख सकते हो, ऐसे देख के लगता है कि मतलब कहीं और न्यूयॉर्क हो गया और फिर मुंबई जैसे बड़े बड़े सिटीज हो गए ना न्यूली, ऐसे लगता है। लेकिन सच में मिलान मतलब इतना खूबसूरत है ना, ऐसे नहीं दूसरे सिटी में क्या होता है पूरे ओल्ड बिल्डिंग्स वगैरह हैं, लेकिन मिलान ऐसे है ना, ओल्ड भी हैं न्यू भी हैं और फिर टोटली जो फ्यूचर वाले हैं जैसे वास्को वर्टिकाले हो गया, बस ग्रीनरी से मतलब ए टू जेड मिक्सड है। तो मिलान वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मैं बोलूँगा, इसीलिए मैं मिलान को छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं करता, क्योंकि इतना खूबसूरत सब कुछ मिल जाता है। तो चलिए आज घास पे बैठते हैं, क्योंकि नेचर में बैठने का मज़ा ही कुछ। और इटली में खास बात और है ना, जैसे फाउंटेन है, हम लोग जब चाहें तब पानी पी सकते हैं यहाँ पे, ऐसे ओपन फाउंटेन है, हमेशा से खुले रहता है 24/7 हमेशा खुलते रहता है। तो मैं भी थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूँ।